भैया राम राम सबका। अरे यार राम राम ढंग से नहीं करी रहा। ये पीछे आवाज आ रही है कि नहीं? नगर पंचायत के ऑफिस तक राम राम सबके। देखो एक बात है, जरा एक खड़े हो जाओ सब, जो बैठो जरा नीचे बैठो सब। ये मुझे बिल्कुल, मैं डिस्टर्ब होता हूँ उससे। सारी बहनें बैठ जाओ, सारी बहनें बैठो, सारी बहनें बैठ जाओ। सभी से निवेदन है मंच की गरिमा बनाए रखें। इधर भी सब दीदी बैठ जाओ ना, मैं फोटो खिंचूंगा फिर एक बार अपन सब भाई बहन एक साथ खींचा। सभी भाइयों से निवेदन है कि मंच पर पीछे हो जाए थोड़े थोड़े। अच्छा अब ये माइक का आप भी हटाओ, यहाँ से बंद कर दे। एक बात है, श्यामगढ़ का और जीतू पटवारी का रिश्ता क्या है? मैं जब श्यामगढ़ आने की बारी आती है ना, तो इतनी खुशी अंदर से होती है कि मेरे घर जा रहा हूं, मेरे परिवार में जा रहा हूं, मेरे अपने लोगों के पास जा रहा हूं, और पूरा पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि स्वागत सत्कार तो बेहद एक नंबर होगा यार। तो मैं आप सबके चरणों में सर रखकर आपको प्रणाम करता हूं। मुझ जैसे छोटे आदमी के लिए आप पलक फावड़े। हर बार यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था 15 साल पहले, वो समय हो या आज का समय हो, जब हरदीप डंग हमारे साथ था वो समय हो, या आप सब वो हमें छोड़ के भाग गया हो और आप भी मेरे साथ हो वो समय हो। मैं आप सबको खूब साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब नीचे बैठोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जन आक्रोश यात्रा है क्या? हमारे विधायक जी नाहटा साहब जब बीजेपी में गए तो मुझे याद है उनने पहला बयान क्या दिया था। सुहासरा की और श्यामगढ़ की जनता को भी याद होगा कि उन्होंने पहला बयान क्या दिया था। उन्होंने दो बातें कही थी। एक बात कही थी कि मेरे क्षेत्र के विकास के लिए मुझे यह निर्णय लेना पड़ा, यही कहा था ना? अरे यही कहा था, सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरा क्षेत्र है मुझे। उन्होंने रात दिन एक करने वाले दोस्तों को, भाइयों को, परिवार के लोगों को, कांग्रेस जनों को ठेंगा भी दिखाया और उनकी आत्मा का सौदा भी कर दिया। हम उपचुनाव में गए, हमने बहुत कोशिश की, उनकी बातें बताई, लोगों में आक्रोश भी बहुत था, पर शायद हम में कुछ कमी थी या उनके पास पैसा ज्यादा था, दोनों में से कुछ न कुछ तो था, जिस कारण से वो फिर विजय हुए। पर लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। सारे पत्रकार बंधु यहां बैठे हैं, मैं कभी भी उस बात को, उस भाव को, जब चुनाव नहीं हुए थे उपचुनाव, जब तक मैंने हरदीप डंग के साथ उसके खिलाफ जितना बोलना था सब बोला मैं, पर जब वो जीत गया, सुहासरा की जनता ने जब मैंडेट दे दिया, जो जीता वो सिकंदर, उस भाव को हमने आत्मसात किया। फिर कोई नफरत, कोई घृणा, कोई छोटापन, वो अब हमारे विधायक हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, इस भावना को हमने जिया और कोशिश की कि जिस भावना को लेके ये परिवार का हमारा साथी हमारा साथ छोड़ के गया है, सुहासरा की जनता के हितों और इनके अधिकारों की रक्षा के लिए, तो शायद पूरा करेगा। पर मुझे नहीं पता, एक भागवत में एक साधु, एक वो पवित्र आत्मा जो भगवान की सेवा करते हैं, उन्होंने वीडियो बना के भेज दिया कि सबसे बड़ा गो तस्कर कौन है, पता है आप लोगों को? अरे किसका नाम लिया था? ये क्यों हुआ? एक साधु अगर जिसको परित्याग करता है संसार का, वो एक तरह से अपने आप को मुक्त करता है सांसारिक जीवन से, वो क्यों किसी पे आरोप लगाएगा? ये प्रश्न गंभीर है या नहीं है मुझे पता नहीं। जब हरदीप डंग अब मंत्री है और मंत्री के पास कितने पावर होते हैं मैं जानता हूं, मैंने ट्रेनिंग ली है 15 महीने की। 15 महीने की ट्रेनिंग के बाद हरदीप डंग ने यहाँ के विकास के लिए उद्योग धंधे तो डाल ही दिए होंगे। अरे कहीं एक आज श्यामगढ़ में उद्योग धंधा डाला क्या? जब क्षेत्र के विकास के लिए मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, ये कहता था जीतू पटवारी मेरे सगे भाई जैसा है, कितने भाषण देख लेना, परिवार का था, मेरे से कंधा मिलाकर साथ चलता था। जब ये राकेश पाटीदार है ना, थोड़ा मुझसे नाराज रहता था, मैं उसका साथ देता था। जब उसने मुझे साथ दिया, मैंने उसका साथ दिया, और उसने बेवफाई की, गद्दारी की, वो कैसे बिका ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर 50 खोका 50 खोका
यह शब्द इससे पहले कभी मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं आया था। नाटा जी 50 करोड़ रुपया, कितनी गड्डियां होती है 50-50 की पता है आप लोगों को? अरे कितनी गड्डी होती है 50-50 की 50 करोड़ में? नहीं बता पाओगे। 10,000 गड्डी जो हम कमरे में सोते हैं ना 10x12 के, पूरा भरा जाए फिर भी 5-6 टोपले बाहर रखने पड़ते हैं, इतने पैसे होते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि कैसे किसने कब क्यों, ये सवाल नहीं है, पर मध्य प्रदेश की राजनीति में 50 करोड़ रुपए के का एक जो एक नया शब्द इजाद हुआ, ये शिवराज सिंह चौहान के इस प्रदेश पे कलंक है या नहीं है? अरे कलंक है कि नहीं है? जब मेरा भाई गया तो पहले बात करता था, हर बार जब बीजेपी की सरकार थी और हम कांग्रेस में, रोजड़ों की समस्या, रोजड़े की। अब तो यहाँ मंसूर निमा मैं अपने सुहासरा शामगढ़ में रोजड़े होंगे ही नहीं। अरे है या नहीं है? मंत्री जी को नहीं पता रोजड़े का, अब भूल गए रोजड़े, अब रोजड़े की बात नहीं करते हैं, अब वो रोकड़े की बात करते हैं, रोकड़े की। मुझे नहीं पता स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ का सिविल हॉस्पिटल थोड़ा नाम बदला गया है, पर डॉक्टर होंगे यहाँ 4-5-6, सर्जन वर्जन सब आ गए क्या? अरे आ गए होंगे यार। वो हमारी एक बेटी 2 दिन पहले अभी मैं बैठने गया था, वो बिटिया 16 साल की जब रुखसत करके गई तो उसके पिता से भी मेरी बात हो रही थी, तो भैया उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत हालत शामगढ़ की खराब है भैया। तो ये वेदना मेरे परिवार के ही लोगों की तो है। मैं 8 लाइन में मुझे नहीं पता ये कांग्रेस के जो लोग गए हरदीप के संग ज्यादा उनकी चलती है कि बीजेपी के पहले के कार्यकर्ता जो हमेशा से बीजेपी को जिताते हैं उनकी चलती है? हमारे गांव में हमारे उधर भी एक दो गए थे ऐसे, तो सांवेर से गए और भी आसपास के 2-4 गए, तो नाटा जी हमारे यहाँ उनको कहते हैं बीजेपी के लोग अब मेरे पास आते हैं, मैं सबसे संबंध तो रहते ही है, कह कि यार जीतू भैया बाकी तो सब ठीक है, अच्छो कैंडिडेट दे दो जो यार, हम इना बाकड़े ना से थकी गया है यार कहीं। मैं नहीं समझता था बांकड़े होते क्या है, तो तुम सब समझते हो बांकड़े क्या होते हैं? समझते हो ना? तो ये बीजेपी के परिवार के लोग भी ये कहते हैं कि भैया जो भी हो इनसे हम थकी गए ना बांकड़े ना से यार, कही कि नहीं कही? अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब भ्रष्टाचार कितनी बात करें, देशभक्ति राष्ट्रहित, ये हरदीप डंग को एक बुखार आता है राजभक्ति का, कभी राजभक्ति का मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजभक्ति है, पर ये झंडा यहाँ लगा ये 11-12 लाख रुपए का था, महीने भर भी नहीं चला यार, कैसी राजभक्ति है, कैसी राजभक्ति है भैया, समझ से परे है। मुझे नहीं पता, बातें बहुत है करने की भी बहुत है, पर बीजेपी का एक जन आक्रोश निकल रहा है, जन आशीर्वाद यात्रा, यहाँ आई कैलाश विजयवर्गीय और आए, तो कैलाश विजयवर्गीय जी से ये नहीं पूछा आपने कि किस बात का जन आशीर्वाद? इस बात का कि 1 करोड़ से ज्यादा हमारे परिवार के युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं प्रदेश में? किस बात का जन आशीर्वाद? इस बात का कि 4 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है मेरा प्रदेश? कि इस बात का कि मध्य प्रदेश में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं? कि इस बात का कि सबसे ज्यादा कर्जदार अगर प्रदेश में किसी देश में किसी प्रदेश का किसान है तो मेरे प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है? या इस बात का कि शिवराज जी ने जिस तरीके के 20 साल निकाले जिसमें भ्रष्टाचार की छोटी मोटी बातें नहीं हुई? भ्रष्टाचार कितना कि 3 बार वल्लभ भवन में आग लगा दी यार, ऐसा कभी फिल्मों में ही देखा है आपने, असलियत में तो नहीं देखा है? कैसा जन आशीर्वाद? इस बात का कि एक परिवार का हमारा साथी जो आदिवासी था उस पे एक बीजेपी का कार्यकर्ता खड़े होकर पिशाब करने लगा, इस बात का जन आशीर्वाद? किस बात का जन आशीर्वाद? इस बात का कि शिवराज सिंह चौहान आपके राज में सुहासरा में कितनी टोटल वोटों की संख्या कितनी है? हाँ 2,70,000 वोट है यहाँ, जिसमें से 1,35,000 हमारी बहने होगी, बहने पूरी सुहासरा में जितनी महिलाएं रहती है पिछले 2-3 साल में पूरे मध्य प्रदेश में 2 लाख महिलाएं गायब हो गई, कहां है पता ही नहीं। ये मेरा आरोप नहीं है, ये आरोप है, आरोप नहीं है, ये
रिपोर्ट है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, एनसीआरबी के आंकड़ों की। ये हमारी हमारे परिवार में से सुहास राम में जितनी बहनें रहती है उससे 30,000 ज्यादा गायब हो गई। ये ऐसा प्रदेश आपने बनाया, इस बात का आपको जन आशीर्वाद दें। किस बात का जन आशीर्वाद दें कि जो आप 4,00,000 करोड़ रुपए कर्जा ले रहे हो, 3,00,000 करोड़ रुपया पर महीना कर्जा ले रहे हो, इस कर्जे का करते क्या हो आप? इस कर्जे का आप बड़ा सा पांडाल लगाते हो, फिर पांडाल पे बड़ा सा मंच लगाते हो, ऐसा कार्डलेस उनके हाथ में होता है, शिवराज जी के हाथ में होता है, फिर ऐसे रैंप बनता है आगे तक और फिर शिवराज जी उसमें चलते हैं और भाषण देते हैं। बहनों, आपका भाई अभी जिंदा है, इतने हिलते डुलते मैंने कहीं गिर नहीं जाई आदमी, दुबला पतला है। जब मुझे खुशी हुई थी ये किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना और किसान के बेटे ने ये कहा कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, जब किसान की आय दुगनी करने की बात हुई तो कांग्रेस बीजेपी के भाव आ ही नहीं सकते हैं, किसानी के, खेती के, उस किसान की के दर्द के, उसके उसके उस मर्म की बात याद आती है। मेरे को मेरा आइडियल था शिवराज सिंह चौहान उस वक्त तक जब मैं एमएलए बना, मैंने कहा है किसान का बेटा है, किसानों की बात तो करता है भले हमारी विचार विपरीत विचारधारा का हो। पर जब मैंने देखा कि उन्होंने कहा राज्यपाल के अभिभाषण में कि मैं 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा तो मुझे बहुत खुशी हुई। 4 बार कहा, 1,00,000 बार मेरे शिवराज सिंह जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने भाषणों में बार बार हर बार एक ही बात कही, मैं किसान की आय दुगनी करूंगा 2022 तक। यही बात उन्होंने शेरपुर में 2018 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से किलवाई कि हाँ 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। फिर मैंने एक प्रश्न किया और उनसे पूछा कि शिवराज जी किसानों की आय दुगनी हुई या नहीं हुई, क्योंकि सरकार के आंकड़े ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी के आंकड़े कहते हैं कि हमारे प्रदेश का पर किसान पर डे रोज सिर्फ 28 रुपए रोज कमाता है। तो मैंने उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि हमने तो कभी बात ही नहीं कही कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे। मतलब सफेद झूठ, आंखों में मिर्ची झोंकना, इतनी अद्भुत अकर्मण्यता दूसरा मैंने कभी किसी मुख्यमंत्री में नहीं देखी। जब मैंने ये सवाल कि शिवराज जी जो हो गया सो हो गया, वो सामने बैठे थे, इधर हमारे सब कांग्रेस के विधायक थे, उधर भारतीय जनता पार्टी का ये हरदीप डंग जो यहाँ का विधायक और मंत्री है वो भी बैठा था, जब मैंने कहा कि कोई राजनीति नहीं हो सकती जब किसान की इनकम बढ़ाने की बात हो, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ सदन से कि हम सब मिलकर किसान की इनकम दुगनी हो इसलिए अनाज की कीमत 3,000 रुपया सामूहिक प्रस्ताव कर दें। ये वीडियो आपने देखा था, ये विधानसभा का वीडियो मैंने जब बाहर पहुंचा है तो आप लोगों ने देखा था या नहीं देखा था? किन्ने किन्ने देखा था, हाथ ऊंचे करो। मैंने जब 3,000 की बात की तो केवल हवा में लटनी मारी थी, इसलिए नहीं कहा था कि मैं विपक्ष का हूं। 3,200 रुपए 3,000 रुपए तक नाटा जी, पिछले 2 साल में किसानों का गेहूं कहीं कहीं किसी न किसी रूप में बिका है, तो कीमत तय है कि यहां तक अगर बिक सकता है तो उसकी इनकम क्लियर हो गई। किसान की लागत बढ़ी, यूरिया के दाम बढ़े, डीएपी के दाम बढ़े, बिजली के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, मजदूरी बढ़ी, बीज बढ़ा, बीज के दाम बढ़े, तो इनकम कम और लागत ज्यादा, तो फिर सरकार की जिम्मेवारी किसान की सुरक्षा करने की नहीं है तो किसकी है? आपको पता है कि जब ये मैं बोल रहा था तो सबसे पहले विरोध किसने किया? अरे पता है कि नहीं है? अरे वीडियो नहीं देखा लगता है आप लोगों ने, वीडियो देखो फिर से। ये हरदीप डंग, जब किसान के नाम के वोट लेना हो तो सबसे आगे, और जब किसान की इनकम बढ़ाने की गेहूं की बात हो तो विरोध, राजनीति। मुझे कहते हैं तो कांग्रेस में इसलिए राजनीति करता है। फिर एक और बात बीजेपी के लोग कहते हैं कि अरे जीतू पटवारी अकेला ही बोल रहा है, पूरी कांग्रेस तो बोल नहीं रही है। फिर एक और बात कहते हैं, मीडिया वाले भी पूछते हैं मुझसे कि जीतू भैया आप इस मुद्दे को तो उठा रहे हो पर क्या घोषणा पत्र में आपकी सरकार आएगी, आपकी पार्टी आएगी तो क्या इसको आप रखोगे? फिर एक और बात कहते हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो नहीं हुआ, वहां तो इनकी सरकार है, तो फिर मध्य प्रदेश में ये कैसे डिमांड? मैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान का विधायक नहीं हूं, मैं मध्य प्रदेश का विधायक हूं।
जहां तक बात शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री, मेरे पूरे भाषण को देखो, अभी मैंने एक बार भी नहीं कहा कि शिवराज जी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह जी मेरे मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, इस प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं। और मैं मेरे मुख्यमंत्री से ये डिमांड बार 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 कर रहा हूं कि 3000 रुपया क्विंटल किसानों के गेहूं के अनाज के धान के दाम होना चाहिए। कोई गलत तो नहीं कर रहा हूं? अरे गलत तो नहीं कर रहा हूं? मैं मानता हूं कि जब सरकार बदलेगी, आचार संहिता लगेगी, तब कांग्रेस से भी मैं ये बात करूंगा, कमलनाथ जी से भी ये डिमांड करूंगा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, सारे हमारे विधायक विधानसभा में उस प्रश्न पे मेरे साथ है। हम बाहर भी जाते हैं तो सारे लोग अलग अलग तरीके से गेहूं के दाम की बात करते हैं। ये इसलिए नहीं, कई अभी मैं आज एक बीजेपी के 15-20-25 कार्यकर्ताओं में पाटीदार समाज के थे, नाहटा जी यहाँ अपने बड़े अमरा में, क्या नाम था गांव, बढ़िया उमरा, तो वहां पाटीदार समाज के किसान 15-20 बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे थे। मैं उनके पास जाके बैठ गया और मैंने उनसे कहा कि सर ये मैं भैया क्या हाल है, राम राम। सबने आपस में बात की तो एक इसमें से बोले कि यार जीतू भैया तुम यार टीवी पर तो अलग दिखो और यहाँ अलग दिखी रहा हो। तो मैंने क्यों क्यों माँ अलग कहीं नहीं यहाँ अलग कहीं, अरे वहां तो धारता हुआ दिखो नहीं, इतना बढ़िया आदमी तुम तो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उनने पानी वानी मंगाया, चाय वाय मंगाई, फिर मेरे को कहने लगे यार भैया कहीं भी हो तुम यार गेहूं को मुद्दो अच्छो उठे रहा है यार, किसान ना की बात होनी चाहिए। तब यार दूसरा इतने बोला, वो आलू का कट्टा और प्याज का कट्टा लेके विधानसभा में आप जाते हो ना तो ऐसा लगता अपना ही छोरा जा रहा, अपने परिवार का है यार। तो भावना क्या निकल के आई, भावना ये निकल के आई कि बीजेपी के किसान है, उनको भी ये इच्छा है कि किसान की लागत बढ़नी चाहिए, किसान की इनकम बढ़नी चाहिए, लागत घटनी चाहिए। यही तो कारण है कि कमलनाथ जी ने 5 हॉर्स पावर का कनेक्शन माफ कर दिया। यही कारण है कि हम किसानों का कर्ज माफ करना चाहते हैं। यही कारण है कि किसानों की लागत कैसे घटे इस पे हमने प्रोग्राम बना रखा है। यही कारण है कि किसानों की हमारी बेटियों को बहनों को हम 1500 रुपए देना चाहते हैं। तब भी मीडिया वाले सवाल करते हैं, बीजेपी वाले भी सवाल उठाते हैं कि यार लाडली बहना को लेकर तो आप इतने सवाल करते हो और नारी सम्मान जो कांग्रेस की योजना है उसका बखान करते हो। पत्रकार बंधुओं, हम आती हुई सरकार है, आने से पहले कह रहा है कि हम देंगे। शिवराज जी जाती हुई सरकार है, जाने से पहले कह रहा है मैं दूंगा। अंतर को समझो, अंतर को समझो। मैं मानता हूं आप सबने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि इस बार कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार बनानी है। करा कि नहीं करा? अरे करा कि नहीं करा? मैं मानता हूं कि हरदीप डंग ने भी जो अपने आप को बदला था, मैं इसलिए अब उसको ये नहीं कहता था कि अपने आप को बेचा था, ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उसके बाद जनता ने उसको जिता दिया, अब वो समय चला गया, पर उसने अपने आप को बदला था तो सुहासरा के विकास की बात कही थी। आप लोगों ने बताया कि न उद्योग आए, न स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हुई, न गौशालाएं डली, न किसी प्रकार का यहाँ कोई ऐसा डेवलपमेंट का, न रोजड़े हटे, कुछ नहीं हुआ। तो फिर हरदीप डंग को हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? अरे हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कमलनाथ जी ने मुझे बोला कि जीतू तू सुहासरा जा रहा है तो इस बार कैंडिडेट घोषित करके ही आना। तो मैं आप सबके आज्ञा हो, आपकी हो तो कर दूं साहब। ओ भैया आप सबसे सीनियर हो हमारे, देखो हमारे तो ये पिता तुल्य है, इनके हम छोटे थे तब नाहटा जी के देखते थे, पढ़ते थे, सुनते थे, इनके बयान सुनते थे, इनकी बातें सुनती थी, सुनता था। और इतने अभी भी यूं तो खूबसूरत है पर एक सौम्य सरल अच्छी भाषा के साथ अपनी बात रखने वाला एक युवा मंत्री, ऐसा लगता था मैं भी बड़ा हो कैसा बनूंगा, तो मैं तो नहीं बन पाया। पर आप, मैं नाहटा जी के लिए जोरदार जरा तालियां बजा दें एक बार। मैं आज्ञा लेके अनुरोध कर रहा हूं कि मैं कांग्रेस का कैंडिडेट घोषित कर दूं। कर दो पर एक मिनट मुझे नहीं कर दें दो। भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बार अपना हाथ का पंजा हमारा कैंडिडेट है, ये याद रखना। हमारा कैंडिडेट कौन है? हमारा कैंडिडेट कोई व्यक्ति पंजे के खिलाफ बात कांग्रेस का करता मिले तो ये समझ लेना ये भी हरदीप डंग जैसा गद्दार है,
याद रखना, आप एक की बात सुनना, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी। हमारे लिए जाति पाति नहीं है, हमारे लिए हम कांग्रेस पार्टी है क्या? ये भगवान राम की पार्टी है, ये भगवान कृष्ण की पार्टी है, ये पैगंबर की पार्टी है, गुरु नानक देव जी की पार्टी है, ये पार्टी है महावीर की, ये पार्टी है गौतम बुद्ध और ये पार्टी है बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की। सबने एक बात कही, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, मिलजुल के रहना, सबके लिए जगह है। तो हम सब उस पार्टी और उस विचार के लोग हैं। मेरा अनुरोध है आप सब मेरी भावना को समझेंगे और हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं, शामगढ़ से मेरा रिश्ता, शामगढ़ से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक निभाऊंगा, सुहासरा से मेरा रिश्ता, जीतू पटवारी ऊपर जाएगा खंदे पे तब तक आपसे मैं रिश्ता रखना चाहता हूं। आप बनाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अरे आप बनाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मैं सुहासरा की जनता से एक अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे मालवा में होता है कि गोद चले जाओ किसी के, मैं आपके गोद आना चाहता हूं, आप गोद लोगे मुझे? मैं संपत्ति नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं फकीर आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, फक्कड़ हूं टोटल। जैसे का जैसा आपने 20 साल पहले देखा था सुकड़ा सठ, आज भी वैसा ही हूं। तो मैं आज सबके गोद आना चाहता हूं और मैं गोद आने के लिए आपसे ये सीट मांग रहा हूं, आप दोगे कि नहीं दोगे? कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये सीट आप मुझे दोगे कि नहीं दोगे? पक्का भरोसे से जाऊं? कोई न्यूसेंस करेगा तो उसकी बात तो नहीं मानोगे? हरदीप डंग इधर उधर की बात करेगा, नोट बहुत बांटेगा, इस बार बहुत पैसा है उसके पास, पर पैसे ले लेना, पर वोट। बस ध्यान रखना मेरी बात का सवाल है, मैं मरूंगा जब तक आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैं मरूं तो दुखी होना कि जीतू पटवारी हमारा अपना था, पर वोट कांग्रेस को देना, बस इतना ध्यान रखना। भारत माता की।